हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ वेज कोल्हापुरी की रेसिपी। वेज कोल्हापुरी की ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी, क्रीमी और स्पाइसी होती है और इनके मसालों की खुशबू से तो सारा घर महक उठता है। तो चलिए इस स्पाइसी वेज कोल्हापुरी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसके लिए हम एक मसाला पीस रेडी करेंगे। मसाला पीस बनाने के लिए हमें चाहिए 2 प्याज, इसे लंबा स्लाइस कर लें, 6 से 7 काजू, 2 छोटे चम्मच सफ़ेद तिल, 2 छोटे चम्मच सूखा नारियल, 3 कश्मीरी लाल मिर्च, 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक, 1 छोटी सी पत्ती जावित्री की, 7 काली मिर्च, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची या मसाला इलायची और 1 इंच दालचीनी। वेज कोल्हापुरी की ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच हरी धनिया, 2 हरी मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई, 1 प्याज कटा हुआ, 1/4 कप मटर, मैंने ये फ्रोजन मटर लिया है, ये बहुत ही जल्दी पक जाता है, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने 4 टमाटरों को पीस कर रखा है। अब एक पैन में तेल गरम कर लें। वेज कोल्हापुरी बनाने के लिए एक मसाला पेस्ट बनाने की जरूरत होती है, उसी के लिए हम यहाँ कुछ चीजों को फ्राई कर लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ स्लाइस किए हुए प्याज, अदरक और लहसुन। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अब इसमें डालें कश्मीरी लाल मिर्च, अगर बेड़गी मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं, इससे कोल्हापुरी मसाले में अच्छा कलर आ जाता है। अब ये फ्राई हो गए हैं, इन्हें निकाल लें। अब इसमें हम सारे खड़े मसाले डाल देंगे और इसे करीबन हम 1 मिनट के लिए एक अच्छी सी खुशबू आने तक भून लेंगे। अब इसमें डालें सूखा नारियल और तिल, इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लें। इस स्टेज पर आप 2 बड़े चम्मच साबुत हरी धनिया और 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड कर सकते हैं। मेरे पास भुना हुआ जीरा और धनिया पाउडर था, मैंने जीरा और धनिया पाउडर को ग्राइंड करते वक्त ऐड किया है। अगर आपके पास भुना हुआ जीरा और धनिया पाउडर नहीं है, उसे इसी स्टेज पर भून लें। अब लास्ट में थोड़ा सा काजू डाल दें और इन सबको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। अब ये फ्राई हो गए हैं, इन्हें निकाल लें और ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसे एक मिक्सर या ग्राइंडर जार में निकाल लें। अब इसमें डालें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक पेस्ट बना लेंगे। ये जो पेस्ट हमने बनाया है ये एकदम स्मूथ होना चाहिए, बस इसे निकाल कर एक साइड में रख दें। अब हम कुछ वेजिटेबल्स को स्टीम कुक कर लेंगे। मैं यहाँ ले रही हूँ 1 छोटा गाजर, 7 से 8 बीन्स, 1/4 कप फूल गोभी और 1 आलू कटे हुए। एक बर्तन में थोड़ा पानी डालकर गर्म कर लें। इसमें डालें नमक, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें एक उबाल आने के लिए हम छोड़ देंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें सभी वेजिटेबल्स डाल दें। अगर आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं तो उसे इसी वक्त डाल दें। अब इसे हम 5 मिनट ढक्कन लगा करके हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे। 5 मिनट के बाद एक आलू लेकर इस तरह से कट करके देखें, आलू बिना किसी रेजिस्टेंस के कट हो रहा है, तो ये हो गया है। इसे हम बहुत ज्यादा कुक नहीं करेंगे, बस अब फ्लेम को स्विच ऑफ कर दें, इसे छान लें। अब इसे निकाल कर हम ठंडे पानी में रख देंगे, इससे जो वेजिटेबल्स है उनका फर्दर कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा और उनका कलर भी बना रहेगा। वेज कोल्हापुरी में वेजिटेबल्स को वैसे तो डीप फ्राई करके बनाया जाता है, पर स्टीम कुक करना एक हेल्दी ऑप्शन है और इससे टेस्ट में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अब एक पैन में तेल गरम कर लें, फ्लेम को हमें हाई पर रखना है। इसमें डालें कटी हुई शिमला मिर्च और इसे स्टर फ्राई कर लें। अब इसे निकालकर प्लेट में रख दें। अब फ्लेम को मीडियम कर लें। इसमें डालें 1 तेज पत्ता, प्याज, इसे हमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेना है। ये थोड़े ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, इसमें डालें हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे हम तब तक भुनेंगे जब तक कि प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता।
अब इसमें डालें मसाला पेस्ट और इसे 5 मिनट के लिए पका लें। जब ये पक जाएगा तो ये तले में चिपकना बंद कर देगा। अब इसमें डालें टोमेटो प्यूरी। आधा कप पानी, और नमक, लाल मिर्च पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करना है। ये ग्रेवी अब थोड़ी गाढ़ी हो गई है और इससे थोड़ा तेल भी अलग होना चालू हो गया है। अब इसमें डालें मटर, स्टीम कुक किए हुए वेजिटेबल्स, और शिमला मिर्च। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। गरम मसाला पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल दें। वेज कोल्हापुरी की जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी गाढ़ी ही होती है और इसमें हमने काजू डाला है तो ग्रेवी अपने आप थोड़ी देर बाद और गाढ़ी हो जाएगी। अब इसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए और पका लें ताकि जो वेजिटेबल्स हैं उसको अच्छे से मसालों को सोक कर लें। फाइनली इसमें फिनिशिंग के लिए डालें बटर, इससे ग्रेवी में एक अच्छा सा ग्लेज आ जाएगा, और हरी धनिया। इसे मिक्स कर लें। वेज कोल्हापुरी बनकर तैयार है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि आपका घर महकने लगेगा। मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रेवी भी एकदम गाढ़ी और मसालेदार बनी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।